बस ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बस की चपेट में आने से दिव्यांग हो गया था घायल। मौके पर बस के शीशे भी फोड़े। डर के चलते भगा लाया था ड्राइवर बस। शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के आरटीओ बेरियल पर कुछ लोगों ने बस ड्राइवर की बेरहमी से लात घूसों से मारपीट कर दी। उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ड्राइवर के साथ मारपीट पुलिस की मौजूदगी में हुई। बताया गया कि बस की चपेट में एक दिव्यांग की ट्राईसाइकिल आ गई थी, लेकिन बस ड्राइवर मौके से बस को भगा लाया। इसके बाद बाइक सवार कुछ लोगों ने दिनारा बेरियल के पास बस रोक कर बस ड्राइवर की मारपीट कर दी। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक बस क्रमांक MP33P0975 चंदेरी से झांसी जा रही थी। बस में कोई सवारी नहीं थी। इसी दौरान बस दवरा गांव में होकर गुजर रही थी। इसी दौरान एक दिव्यांग बद्री प्रसाद यादव ट्राईसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। तभी दिव्यांग की ट्राईसाइकिल बस की चपेट में आ गई थी, जिससे दिव्यांग बद्री प्रसाद यादव गिर कर घायल हो गया। आरोप है कि बस ड्राइवर ने दुर्घटना को अंजाम देने के बाद बस को मौके से भगा ले गया। इसके बाद कुछ युवकों ने बाइक से बस का पीछा किया और बस को दिनारा आरटीओ बैरियर पर रोक लिया। इसके बाद बस ड्राइवर की पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट थी। इधर झांसी के रहने वाले बस संचालक अमित सिवरे ने बताया कि बस चंदेरी से झांसी चुनावी ड्यूटी में जा रही थी। दवरा गांव के पास बस के सामने एक सवारियों से भारी ऑटो सामने आ गई थी, जिसे बचाने के लिए फेर में बस ड्राइवर सुशांत कुमार निवासी महुरानीपुर यूपी ने बस को सड़क के नीचे उतार दिया था। इसी दौरान दिव्यांग का नियंत्रण ट्राईसाइकिल से हट गया। इसके बाद दिव्यांग की ट्राईसाइकिल खड़ी बाइक से टकरा गई थी, जिससे दिव्यांग घायल हो गया था। बस ड्राइवर सुशांत ने बस रोक ली थी, लेकिन कुछ लोगों ने बस में पत्थर मार दिए थे। इस मामले में दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव का कहना है कि सूचना मिलते ही बस को जब्त कर लिया, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं की।